हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो क्लास ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है वो चैप्टर है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल फाइव ई से दिखाते हैं ये होता है। तो पहले तो स्टूडेंट मैं दो चार चीज बता दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और ये स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, उसका कूलम इनवर्स, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट या वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज ML3T-3A-1, ये होता है। अब स्टूडेंट मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। जैसे कि कोई सरफेस है, उससे जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसमें से निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, देखिए लाइन के बारे में बोला, तो जितनी नंबर ऑफ लाइन्स निकलती है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो अभी दो तरह के आप एरिया भी बताते हैं, प्लेन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ओपन प्लेन होता है टू डायमेंशनल, या क्लोज प्लेन होता है थ्री डायमेंशनल। ओपन प्लेन जैसा आप ये देख रहे हैं डिफरेंशियल ए से मैंने दिखाया, डिफरेंशियल इसमें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस निकल रही है। तो ये डिफरेंशियल इसका, जैसे सपोज कि मान लें कि ये इसका एरिया वेक्टर है, इट इज एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में ये एंगल बन रहा थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा जो आता है वो थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इनके बीच में। तो अगर प्लेन एरिया है जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रही, तो इसका डिफरेंशियल जो ए है, डिफरेंशियल ए का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशियल ए का इंटीग्रेशन। तो ये फाइ ई बराबर होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ए वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा प्लेन एरिया के होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट हमारा क्लोज्ड एरिया है, क्लोज एरिया जैसे थ्री डायमेंशन, जैसे कि लाइक ए बैलून, बैलून बोल सकते हैं या क्लाउड बोल सकते हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेज निकल रही, तो उसमें से छोटा सा एरिया हमने ले लिया, कोई भी छोटा सा एरिया यहाँ पे दिखा दिया कि छोटा सा, दैट इज योर डिफरेंशियल ए। क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल स्टूडेंट, तो इसका पूरा थ्री डायमेंशनल जब होल इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड होल इंटीग्रेशन। ये थ्री डायमेंशनल होता है, तो होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डिफरेंशियल ए वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट ये तो आपको पता है प्लेन एरिया में हमारा इंटीग्रेशन चलता है और क्लोज एरिया में होल इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन, ये टू डायमेंशन है। अब स्टूडेंट ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दो तरह के हो सकते हैं। अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो यूनिफॉर्म है, मैंने क्या बोला यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाइ ई बराबर ई ए कॉस थीटा लग जाएगा हमारा सिंपल। ये टोटल एरिया होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कॉस थीटा। और अगर बाय द वे आप जैसे यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म देखिए कहीं कहीं के इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर कहीं पास पास है। तो आप जैसे ये देख रहे हो तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये प्लेन था, ये गॉसियन सरफेस है। तो हर एक गॉसियन सरफेस, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग होगा, जैसे ई वन डॉट डिफरेंशियल ए वन प्लस ई टू डॉट डिफरेंशियल ए टू, ये अलग अलग है ना। तो इन सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम किया जाता है, क्या किया जाता है, सम किया जाता है। यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें क्या अलग अलग पॉइंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उनका सबका क्या सम करते हैं। और लेकिन अगर यूनिफॉर्म होगा तो एक ही फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में कुछ चार कंडीशन आप लोगों को बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपको जो थ्री डायमेंशन ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर देखिए पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस बाहर की तरफ निकलते, तो इसे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ये निकल रही, तो एरिया वेक्टर भी इसका सरफेस का बाहर की तरफ निकल, दोनों के बीच में एंगल कितना जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। तो आप जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे जो इसके गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो प्लस ई ए के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, प्लस ई ए के बराबर होगा, ये प्लस है प्लस। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस से अगर निगेटिव चार्ज है, देखिए आप देख रहे हैं निगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस इनवर्ट होगी और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगी, यानी इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन होने का 180 डिग्री है। तो कॉस 180 वैल्यू माइनस वन होती, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज माइनस ई ए, क्या होगा, माइनस ई ए। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस स्टूडेंट ये है पॉजिटिव चार्ज बाहर रखा, यानी चार्ज बाहर है, देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर है तो गॉसियन सरफेस को हमने दो पार्ट में बना लिया, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में क्या है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस के अंदर जा रही गॉसियन सरफेस, लेकिन एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर वन जो पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए, क्या होगा, माइनस ई ए। मगर और यही, लेकिन नंबर टू में क्या देखे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस बाहर भी निकल रही, एरिया वेक्टर भी बाहर निकल रहा है, दोनों के बीच में देखिए आप जीरो डिग्री होने का फाइव ई टू बराबर पॉजिटिव ई ए होगा, क्या होगा, पॉजिटिव ए। अब आप देख रहे हैं यहाँ फाइव ई वन है और ये फाइव ई टू है, इन दोनों का क्या अगर हम जब हम टोटल गॉसियन सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकले तो इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो आप देख रहे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन नेचर अपोजिट है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल होकर जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा जीरो होगा। यानी बात क्लियर होगी कि गॉसियन सरफेस से बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या
होता है, जीरो होता है। ऐसे निगेटिव भी अभी होगा, ये गॉसियन सरफेस है वन पार्ट या टू पार्ट में कर दिया, लेकिन बाहर कौन सा चार्ज रखा है, निगेटिव चार्ज रखा। तो इसमें आप समझ गए होंगे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस इन्वर्ट होगी और एरिया वेक्टर। तो ये फर्स्ट पार्ट में जो है E वेक्टर और A वेक्टर दोनों के बीच में जीरो डिग्री, तो यहाँ पॉजिटिव E होगा। लेकिन सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्ड है लेकिन एरिया वेक्टर बाहर है, तो 180 डिग्री तो यानी फाइ E2 बराबर माइनस E होगा। और वही होगा कि गॉसियन सरफेस टोटल जब दोनों को सम करेंगे तो ये भी जीरो हो जाए, यानी गॉसियन सरफेस के बाहर अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज है तो गॉसियन सरफेस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव अंदर हो, तो पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा और निगेटिव हो तो निगेटिव होगा। एक चीज और बताते हैं अगर एरिया वेक्टर ये देखिए लिखा ना डायरेक्शन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, कितना 90 डिग्री से कम बन रहा है यानी एक्यूट बन रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जाते हैं कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये फाइ ई बराबर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन सेकंड वाले जो क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट देखिए क्वाड्रेंट बना है वन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि जो एरिया वेक्टर होता है दैट इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ऑब्ट्यूस बन रहा है, ऑब्ट्यूस होता है आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता, तो यहाँ पे फाइ ई की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड वाले में भी नेगेटिव होता है, देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा के थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, लेकिन फोर्थ वाले में क्या होता है आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों जगह फाइ ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पॉजिटिव होते और सेकंड और थर्ड में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो नेगेटिव होते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसको स्टूडेंट आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और स्टूडेंट जो फिजिक्स सेमेस्टर 11 12 के स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग जान पहचान जो स्टूडेंट है आप लोग मेरा लिंक उनको भेज दीजिए, शायद उनको भी एक चीज का फायदा हो जाएगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय बाय।